गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ, एक्सरसाइज 1D। आपने ये फिलअप कर लिए होंगे और मैंने कल आपको एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज आप सेकंड क्वेश्चन का बी करेंगे। आपका जो सेकंड है इसमें है आपका 7,10,692। इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो वंस जो है किस प्लेस पे है, टू जो है वंस प्लेस पे है, तो टू मल्टीप्लाई बाय वन इक्वल टू टू। नाइन जो है टेन प्लेस पे है, तो आपको इसको टेन से मल्टीप्लाई करना है, तो 90 आएगा। और हंड्रेड पे जो है सिक्स है, तो ये आपको सिक्स से सिक्स जो है हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 600 आएगा। और थाउजेंड प्लेस पे जो है ज़ीरो, तो आप ज़ीरो को थाउजेंड से करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है ज़ीरो आएगी। और 10,000 प्लेस पे जो है वन है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये आएगी इसकी वैल्यू 10,000। और लैख प्लेस पे जो है सेवन है, तो सेवन मल्टीप्लाई बाय 1,00,000, तो इसकी वैल्यू होगी 7,00,000। तो आप इसको अब एक्सपेंडेड फॉर्म इज 7,00,000, 10,000 और थाउजेंड पे जो है ज़ीरो, और 600 टेंथ प्लेस पे 90 प्लस टू, तो 7,00,000 प्लस 10,000 प्लस ज़ीरो प्लस 600 प्लस 90 प्लस टू, तो ये आपका 7,10,692 की एक्सपेंडेड फॉर्म है। सी क्वेश्चन है आपका 64,507। तो वंस प्लेस पे क्या सेवन है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय सेवन। और टेन प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा। हंड्रेड प्लेस पे जो है फाइव है, तो फाइव मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड, तो ये 500 हो जाएगा। थाउजेंड प्लेस पे जो है फोर है, तो फोर मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड, थाउजेंड, तो ये हो जाएगा 4,000। और 10,000 प्लेस पे जो है आपका सिक्स है, तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय 10,000, तो ये हो जाएगा 60,000। तो आपकी ये एक्सपेंडेड वैल्यू होगी इसकी 60,000 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस ज़ीरो प्लस सेवन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डी, 8,48,486। तो ये भी आपको ऐसे ही करना है, वंस प्लेस, तो ये आपको सिक्स, और टेन प्लेस पे एट है, तो मल्टीप्लाई बाय टेन। हंड्रेड प्लेस पे जो है फोर, तो फोर बाय हंड्रेड। थाउजेंड प्लेस पे जो है एट है, तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई होके 8,000। टेन थाउजेंड जो है पर फोर है, तो 40,000। और लैख प्लेस पे जो है एट है, तो एट मल्टीप्लाई बाय लैख, तो ये 8,00,000। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म इज 8,40,808,000 प्लस 480 प्लस सिक्स, तो ये आपकी 8,48,486 की एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसी तरह से आपको इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो एक डिजिट ये है 70,600 6,850 प्लस वंस पे जो है टू, तो ये आपको कैसे लिखना है, वंस प्लेस पे टू, टेंस प्लेस पे फाइव, और हंड्रेड प्लेस पे एट, थाउजेंड प्लेस पे जो है सिक्स, और 10,000 प्लेस पे सेवन, तो ये 76,852। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेकंड, 50,417। तो अब आप इसमें देखेंगे, पहले आप लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। वंस प्लेस पे आपका क्या है सेवन, तो ये आपको लिखना है। और टेंथ प्लेस पे जो है वन है, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। हंड्रेड प्लेस पे क्या है,
फोर, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। थाउजेंड प्लेस पे कुछ भी नहीं दिया हुआ तो आपको जीरो आएगा, और टेन थाउजेंड पर फाइव, तो ये आपका हो गया 50,417 स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 4,01,304, तो इसको आप पहले वंस जो है, वंस पे जो है फोर है उसको लिखेंगे। आप टेन प्लेस पे कोई डिजिट नहीं दी हुई तो आपको जीरो लिखना है, फिर हंड्रेड प्लेस पे जो है 300 है तो आपको ये थ्री लिखना पड़ेगा, और प्लस जो फॉर्मूला है आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट उसके अकॉर्डिंग थाउजेंड प्लेस पे जो है वन है तो आपको यहाँ पर वन, और टेन थाउजेंड प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो, और लैक प्लेस पे क्या है आपका फोर, तो ये आपका हो जाएगा 4,01,304 स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इस डिजिट का। नेक्स्ट आपको दिया हुआ 6×1,00,+8×10+9, तो आप पहले इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। नाइन प्लेस पे जो है, वंस प्लेस पे जो है नाइन, और टेन प्लेस पे जो है आपका एट, हंड्रेड प्लेस पे जीरो, थाउजेंड प्लेस पे भी जीरो है, और टेन थाउजेंड पर भी जीरो है, और लैक प्लेस पे जो है सिक्स लैक्स, तो ये आपका हो जाएगा नाइन, टेन प्लेस पे एट, हंड्रेड प्लेस पे जीरो, थाउजेंड प्लेस पे जीरो, टेन थाउजेंड प्लेस पे जीरो, और लैक प्लेस पे सिक्स, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा आंसर 6,89,000। सो ये आपकी जो है एक्सरसाइज 1D कंप्लीट हो गई। थैंक यू।